सागर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। सागर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने बताया कि कुल 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 15 से 16 लाख का माल बरामद किया गया। जानकारी दी गई कि लगभग 21 किलो चांदी के जेवरात तथा 175 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक युवक ऑटो चालक था, जो कि जगह जगह जाकर रैकी करता था और फिर सोने आवास को चिन्हित कर गिरोह के साथ चोरी की जाती थी। हालांकि सभी आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। ये सभी नई उम्र के लड़के हैं और इसमें से सभी 8, 10, 12 पढ़े लिखे हैं और करीब 16 लाख रुपए का माल इनसे जब्त हुआ है, जिसमें लगभग 20-21 किलो चांदी के जेवरात और लगभग 200 ग्राम सोने के जेवरात और लैपटॉप भी जब्त हुआ है, कुछ अन्य सामग्री भी जब्त हुई है और इनका आज पुलिस रिमांड लिया जाएगा। ये रहती थी कि जो पकड़े गए हैं 8 लोग, इसमें सद्दू करके जिसका ऑटो है, तो ये दिन में सवारी के रूप में ऑटो में कॉलोनियों में घूमते रहते थे और ये मार्क कर लेते थे कि कौन सा घर बंद है जिसमें ताला लगा है और फिर अपना ऑटो से आके अपनी नकल दली कर देते थे वहां पे। सब एक सफल है जिससे वो ताले को तोड़ देते थे। इसके अलावा 2-3 वारदातों में इन्होंने जो 2-व्हीलर होती है स्कूटी टाइप का, उसका भी उपयोग किया है और ये जो जितने लड़के हैं इसमें से कुछ का रिकॉर्ड है,